हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे सभी जो पेयर्स हैं एंड जो मेटल्स हैं उनके एनालिसिस। ठीक है, मार्केट ओपन हो चुका है, आज मंडे है एंड अभी करंटली जो है इवनिंग टाइम है। ठीक है, नाइट का टाइम है। तो अपन जो अब 4 दिन बचे हैं उनके एनालिसिस अपन करेंगे कि मार्केट का मोमेंटम एंड डायरेक्शन क्या हो सकता है गोल्ड का, ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी करंटली अपन 4 आवर टाइम फ्रेम पे हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम जो है उस पर अपन दो तीन चीज़ें देख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वीडियो वगैरह PDF वगैरह मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ ये अपना एक ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर पे, जिसमें मार्केट ने क्या है, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया है मैं आपको सारी चीज़ें दोबारा बता देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, रिसेंट वाला जो लो पॉइंट है उसको मार्केट ने टच किया। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका IDM कन्फर्म हो जाएगा, इड्यूसमेंट। ठीक है, तो जैसे ही आपका IDM कन्फर्म होता है तो ये वाला पॉइंट आपका हायर हाई कन्फर्म हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या हुआ, जैसे ही आपका कन्फर्म हुआ उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक्सट्रीम लिक्विडिटी ली। ठीक है, ये वाला लिक्विडिटी पॉइंट है आपका जो कि मार्केट ने लिया। ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही मार्केट इस लिक्विडिटी को कलेक्ट करेगा तो कलेक्ट करने के बाद मार्केट ट्रैप करेगा। यहाँ पे कितना ट्रैप करेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट क्या करेगा, वापिस डाउन आने का ट्राई करेगा, इन सभी का SL यहाँ पे उड़ाएगा, इस पॉइंट तक मार्केट आएगा, देन यहाँ से मार्केट अप जाने का ट्राई करेगा। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या होती है कि अगर सपोज करिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपका मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, जो भी यहाँ एक नेक्स्ट लेवल बनेगा या ये लेवल बनेगा, जो भी ये लेवल बनेगा, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करता, यहाँ से कुछ इस तरीके से आता है, तो आपके पास लास्ट ये वाला जो है, ये वाला ये PUI का लिक्विडिटी एरिया रहेगा जहाँ से आप लास्ट बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आपको कोई कन्फर्मेशन सिग्नल नहीं मिलता है, सो आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका लास्ट बाइंग जोन है, इसके बाद कोई बाइंग जोन नहीं है, फिर आपका यहाँ से एक प्रॉपर सेलिंग जोन स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, और कहाँ तक वो रहेगा, इस लेवल तक आपका सेलिंग रह सकता है। ठीक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से एक बाइंग ले सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ तक। ठीक है, आपकी फर्स्ट बाइंग ये हो गई। सेकंड बाइंग आप क्या कर सकते हैं, सेकंड बाइंग आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बाई क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि मार्केट करंटली बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे बाइंग में जा रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी बाइंग में जा रहा है, तो आपके पास एक हग अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अचीव कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका सिनेरियो हो चुका है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, मार्केट ने क्या किया है, रिसेंट वाला जो लो है उसको टच किया, देन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया है, तो ये आपका क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डायरेक्ट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो मार्केट क्या करता है, उसका सबसे लो पॉइंट यानी ये वाला चौक पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, तो इस चौक पॉइंट के नीचे अगर मार्केट कैंडल क्लोज कर देता है तो हो सकता है जब आप यहाँ पर रिटेस्ट पे आओगे। ठीक है, रिटेस्ट पे जब मार्केट कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडल देखना मिलती है, देन तभी सेल करना है, अदरवाइज आपको कोई भी सेल का प्लानिंग नहीं रखना है। आपका लास्ट ये वाला पॉइंट है बाइंग का, एंड ये पॉइंट है, इन दो पॉइंट से आपको बाइंग का प्लान करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ये आपका एक लेवल निकल के आता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका एक लेवल है जहाँ से आपका मार्केट क्या कर सकता है, वापस सेल की तरफ रिवर्ट होगा। इस पॉइंट से आप, दो पॉइंट है आपके पास करेंटली, इन दोनों लेवल से आप सेल का ट्राई करिएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा कैंडल एक जोन बन रहा है, मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ, इस जोन से आप पूरा का पूरा सेलिंग का ट्राई करिएगा। ठीक है, यह आपका पूरा का पूरा सेल जोन बनेगा। ठीक है, इस जोन से फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेल ट्राई करिएगा, आफ्टर दैट आप बाइंग में जाइएगा। ठीक है, फर्स्ट आप सेल में रहिएगा, आफ्टर आप बाइंग का ट्राई करिएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी गोल्ड की। ठीक है, अब इसी चीज़ को, गोल्ड को अगर अपन चलते हैं 1 आवर पे, तो गोल्ड का क्या सिनेरियो रहता है देखते हैं।
तो देखिए गोल्ड का सेम सिनेरियो है, अगर अपन 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो करंटली जो गोल्ड है वो अपना चौक सिचुएशन में जा चुका है, यानी सेल की तरफ जा चुका है। लेकिन अपन फिर भी यही एक लास्ट एरिया है जहां से मार्केट में बाइंग का लास्ट ऑप्शन अपने को रहेगा। तो जब तक आपका मार्केट इस दोनों लेवल पे आए तब तक आप वेट करिए, अदरवाइज आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग बाइंग में आपको रहना है। ठीक है, 1 आवर पे भी लगभग सेम कन्फर्मेशन मेरे को मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे यूरो यूएसडी वगैरह की। ठीक है, कि यूरो यूएसडी में क्या चल रहा है अभी देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यूरो यूएसडी में देखिए 1 आवर पे देखते हैं, फिर 4 आवर पे देखेंगे। यूरो यूएसडी करंटली जो सिचुएशन है इसकी, अभी यहाँ पे इसने आईडीएम लिया है इंटरनली। ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने यहाँ पे पिछली बार आईडीएम लिया था। ठीक है, आईडीएम लेने के बाद ये एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन को प्रॉपर तरीके से रेस्पेक्ट किया, देन मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे 1 आवर पे मार्केट ने चौक कर दिया चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब भी चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता है मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम क्रिएट कर दिया अपना, अब इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये बन गई यहाँ से यहाँ तक, एंड देन सॉरी। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ये बन चुकी है। तो मार्केट का सिनेरियो जो है, एक तो ये रह जाएगा मार्केट का सिनेरियो। ठीक है, दो इस तरीके से मार्केट का सिनेरियो रहेगा। अगर ये ऊपर नहीं जाता है, अगर सपोज करिए ये अभी रात को या सुबह तक मार्केट यहीं से रिवर्स होता है, तो आपका ये लास्ट एक एरिया है जहां से आपको रीबाइंग करनी। ये रीबाइंग का सबसे बड़ा एक एरिया है जहां से आप रीबाइंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी चार्ट को अगर 4 आवर पे अपन लेके चलते हैं तो 4 आवर पे जो करंटली सिनेरियो है वो इसका मुझे सेल का लग रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ये जो एक कैंडल बनाई है, रिजेक्शन कैंडल बनी है यहाँ पे, तो हो सकता है कि मार्केट का नेक्स्ट जो कैंडल हो वो यहाँ डाउन क्लोज दे दे। तो जब भी ये नीचे डाउन क्लोज इससे नीचे जाएगा तो आपको यहाँ पे सेल तक रहना है, एंड देन अगेन यहाँ से आपको बाइंग के लिए ऊपर प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली यही सिनेरियो है अभी इसका। अब बात करते थोड़ा सा DXY गोल्ड इंडेक्स की, सॉरी USD इंडेक्स की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिनेरियो क्या चल रहा है 4 आवर में। अगर मार्केट यहाँ तक आता है, ठीक है, मार्केट इस पोजीशन तक आता है तो आपने सॉरी मार्केट इस पोजीशन तक आता है तो आपने क्या करना है, कुछ इस तरीके से मार्केट का सिनेरियो रहेगा। अगर इस लेवल तक मार्केट टच करेगा तो देन डेफिनेटली आप ये सपोज करते हैं कि आपका यूरो यूएसडी यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देन अगर ये मार्केट क्या करता है इस सिचुएशन पे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको प्लेट करता है, अगर यहाँ तक जाता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि यूरो यूएसडी को यहाँ से फिर सेल करना है इस पॉइंट तक। अब जब मार्केट यहां से इस पॉइंट तक सेलिंग में आएगा तो यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने के बाद मार्केट क्या करेगा, वापस से डाउन सिनेरियो बनाएगा अपना कुछ इस तरीके से, इस पॉइंट तक वापस डाउन आएगा मार्केट। तो ये सिनेरियो जो है पूरे वीक का मुझे लग रहा है, इस हिसाब से मार्केट अपना डिसीजन लेगा। अब आपको डायरेक्टली मेरे भरोसे इसमें एंट्री नहीं करनी है, आपको खुद को भी थोड़े एनालिसिस करने हैं, सारी चीज़ें आपको भी प्रॉपर देखनी है कि मैंने कैसा एनालिसिस किया एंड आप कैसे इसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं जीबीपी यूएसडी पे। ठीक है, तो जीबीपी यूएसडी का ये एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम था जिसपे मार्केट आया नहीं। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहीं से मार्केट वापस रिवर्स हो गया इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, जो कि आई थिंक 1 आवर पे होगी जी, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर की ट्रेन लाइन है ये। ठीक है, यहाँ की 1 आवर की ट्रेन लाइन है, कोई दिक्कत नहीं इसको उठा हुआ। ठीक है, ये एक सिग्नल मैंने ऑलरेडी दिया था, कुछ इस तरीके से इसका पैटर्न बनेगा। ये एंट्री आई थिंक ग्रुप वगैरह में टेलीग्राम पे भी मैंने डाली थी। ठीक है, मार्केट का सिनेरियो यहाँ तक रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा एक एरिया बन रहा है ऑर्डर ब्लॉक का 4 आवर पे, तो यहाँ तक मार्केट जाएगा। अब वहाँ तक मार्केट जाएगा तो दो चीज़ें अपने पास,
वहाँ जाने के बाद मार्केट क्या करेगा इस सिचुएशन को लेने के लिए, या तो यहाँ तक आएगा ठीक है, या फिर इस लेवल तक आएगा। ये दो सिनेरियोज करंटली हैं जो मेरे को दिख रहे हैं, जो मार्केट करेगा अपने पूरे वीक के अंदर, इन सिनेरियोज को मार्केट फॉलो करेगा। तो आपको मार्केट का जो भी डायरेक्शन है, जिस तरीके से मार्केट फॉर्म कर रहा है, रन कर रहा है, वो चीज़ें भी आपको थोड़ा ध्यान रखनी है ठीक है। अगर आपको मार्केट से ट्रैप होने से बचना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ सिनेरियो था इस वीक का जो करंटली वीक रनिंग चल रहा है, तो आपने ध्यान रखना है और इन सारी चीज़ों पर ट्रेड लेनी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी लोगों को आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर किसी पेयर के और एनालिसिस आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे पेयर्स के एनालिसिस मिल जाएंगे, जिसको भी आप चाहते हैं, जैसे भी आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच।